होता है श्रोता, एक होता है श्रोता, दूसरा होता है सरोता और तीसरा होता है सोता। ये होते हैं तीन, पहला श्रोता, दूसरा सरोता और तीसरा सोता। कितने हो गए? तीन हो गए। अच्छा श्रोता कौन होता है दादा? श्रोता वो होता है कि दिन में 12 घंटे काम करे और काम करने के बाद में 5 मिनट निकाल करके, 5 मिनट केवल, 5 मिनट, 5 मिनट निकाल करके भाव से अगर भगवान का भजन करे और भाव से अगर भगवान की भक्ति करे, अगर गांव में कहीं भागवत हो रही है तो 5 मिनट का समय निकाल करके पंडाल में जाए और तन मन धन से भगवान की कथा सुने, तो ये होता है सच्चा श्रोता। ये श्रोता होता है। श्रोता कौन होता है? श्रोता वो होता है कि घर से चले और घर से चल के विचार करो के गांव में बिटिया कथा कहवे का जी आई तो चला घर से निकले। श्रोता वो होते हैं कि घर से निकले, विचार किया कि पास के गांव में बिटिया कथा कहवे का जी आई तो चलो चल के देख दें चले कि बिटिया कैसी है, गोरी है, काली है, छोटी है, बड़ी है, कैसी है। महाराज घर से चले, विचार किया चलो देखे चले, सो पंडाल में आए, आए के बैठ गए, देख लो वहाँ शास्त्री जी तो ठीक ठाक हैं, लेकिन महाराज देख डाक के शास्त्री जी को चले गए। अब जमाई देखो, जमाई सुनी के शास्त्री जी ने कही का, सिर्फ जा देखो वहाँ शास्त्री जी ठीक ठाक हैं। हाँ तो महाराज कछु लोग तो जाई गए यहाँ तक शास्त्री जी देखे हैं चले। ये होते हैं सरोता। सोता कौन होते हैं? सोता वे होते हैं कि महाराज पंडाल में आए, खम्मा को सारा ले लो, बैठी है चुपचाप सोई है। अच्छा पंडाल में आते हैं लोग तो आए से पहले नींद ज्यादा, पंडाल में लोगों को नींद ज्यादा आती है महाराज, कमो पंडाल में बैठो नींद ज्यादा आती है। हाँ तो बहुत से लोग सोने के लिए आते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। तो सरोता और सोता बनोगे तो बबसागर से पार नहीं होगे, अगर बनना है तो सच्चा श्रोता बन जाओ तो बबसागर से पार हो जाओगे। कहा जाता है दुनिया में लगे रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे, अगर हमारे ठाकुर के चरणों में लग जाओगे तो आबाद हो जाओगे। बोले गोविंद भगवान है कि इसीलिए संसार में मोह माया को, मोह माया से दूर रहना चाहिए संसार। जी ऑपरेटर वाले चले कहाँ जाओ, इन्हें ही बिठा रो करो ही।